डर नहीं लगता, अब डर नहीं लगता, डर गायब हो गया। उस डर को पैदा करने में सालों लगे, प्लानिंग चली और एक सेकंड में खत्म। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस समय अमेरिका की यात्रा पर हैं। वे अमेरिका में हैं और वहां से वे लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल के बयानों को लेकर इन दिनों बीजेपी भी लगातार हमलावर है और राहुल पर यह आरोप लग रहे हैं कि राहुल विदेशी धरती पर जाकर भारत का अपमान करना कब छोड़ेंगे और उनकी आदत कब जाएगी। इसी बीच राहुल गांधी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के एक कार्यक्रम में पहुंचे और यहां उन्होंने फिर से एक बार केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा और लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम सामने आने के बाद राहुल यहां पर क्या कुछ बोले, आइए आपको दिखाते हैं। आई डोंट नो इफ यू नोटिस्ड दैट समथिंग इज डेफिनेटली चेंज्ड आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स। People come sometimes while I'm in Delhi, some, you know, people will, I'm driving in the car, sometimes they'll make me open the window and they'll say, dar nikal gaya, dar nahi lagta ab, ab dar nahi lagta, dar gayab ho gaya. So, it's interesting to me that बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया, एजेंसीज का दबाव, मीडिया का दबाव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, छोटे बिजनेसेस पे, मीडियम साइज बिजनेसेस पे, और एक सेकंड में सब गायब हो गया। अजीब सी बात है, मतलब सालों लगे उस डर को पैदा करने में, सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा और एक सेकंड में खत्म। और वो दिखता है अब, यू कैन सी इट, आई सी इट, आई गेट टू सी इट इन पार्लियामेंट, आई सी द प्राइम मिनिस्टर राइट अप फ्रंट एंड आई कैन टेल यू दैट the idea of Mr. Modi, 56-inch chest, direct connection with God, that's all gone. It's history now. And he realizes it, India realizes it, his partners in government realize it, the three or four senior ministers in his government realize it.